तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर एपीआई बना करके रखी हुई है, जो कि इस पर कोई वैलिडेशन नहीं एडेड है। ठीक है, मतलब सिंपल एपीआई है जिस पर कोई भी वैलिडेशन ऐड नहीं है, कि नेम वगैरह ईमेल वगैरह पर कोई वैलिडेशन एडेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड इमेज जा रहे हैं, और इन सभी पर हम प्रॉपर वैलिडेशन ऐड करने वाले हैं कि इमेज में आपकी ओनली इमेज ही एक्सेप्टेड हो। पासवर्ड में आपका जो भी पासवर्ड फॉर्मेट होता है ना, कुछ उसमें स्मॉल लेटर्स हो, कुछ कैपिटल लेटर्स हो, 1 2 3 हो, एक नंबर, या इसमें एक स्पेशल करेक्टर हो, वो भी हम चेक करने वाले हैं। मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, वो हम चेक करेंगे। ईमेल आपकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए एट द रेट वगैरह के साथ। ठीक है, एंड देन नेम भी होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या ये सिंपल एपीआई है, और जिसको मैं लाइक सेंड करता हूं, तो यहां पर कुछ वैलिडेशन मतलब कुछ वैल्यूज नहीं डाली, फिर भी यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न करके दे रहा है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं इमेज में क्या करता हूँ, यहाँ से कोई लाइक मैंने यहाँ से कोई XLS फाइल भी अपलोड करता हूँ ना, तो ये इसको भी अपलोड कर देगा। तो देखिएगा, तो यहाँ से अपलोड कर दिया इसने। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा पब्लिक, और इमेज के अंदर देख पा रहा हूँ ये XLS फाइल इसके अंदर अपलोड हो चुकी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करेंगे। ये प्रॉपर एक पैकेज होता है, मतलब प्रॉपर वे में आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ एरर्स होती हैं तो फ्रंट एंड साइड वालों को एक वैल्यूएबल वैलिडेशन एरर मैसेज देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करेंगे। तो मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर npm इंस्टॉल करता हूँ एक्सप्रेस वैलिडेटर को। ठीक है, ये काफी यूजफुल पैकेज है जिसको आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। मानो तो अब जरूरी नहीं है आप मतलब इसको MongoDB के साथ यूज कर रहे हो, आप Node.js MySQL के साथ या SQLite मतलब किसी के भी साथ यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस वैलिडेटर का हमेशा यूज करें। ठीक है, इससे क्या होता है आप आउट ऑफ एरिया में ही कवर कर पाते हो कि आपकी वैलिडेशन एरर को कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वैलिडेशन कैसे ऐड की जाए, फिक्स नहीं, बेसिकली फिक्स तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लो बता देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर बेसिकली आपका यूजर राउट चल रहा है, यूजर राउट के अंदर आपके राउट स्ट्रिंग क्रिएट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा मल्टर वगैरह सारा सेटअप है। ठीक है, यहाँ से मेरी इस इमेज के अंदर इमेजेस अपलोड होती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी फाइल है, और यहाँ पर ये मेरा यूजर कंट्रोलर बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके अंदर मेरा रजिस्टर मेथड है, जो कि मेरा ये राउट है रजिस्टर वाला पोस्ट मेथड है, और यहाँ पर ये मेरा इमेज अपलोड कर देता है। इमेज के अंदर चाहे CSV फाइल आ रही हो, चाहे XLS, वो भी उसको अपलोड कर रहा है। इसे हमें प्रिवेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मेरा फ्लो चल रहा है, एंड देन कंट्रोलर्स के अंदर जाऊं तो मेरा अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं MongoDB के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करा रहा हूँ, ओनली सक्सेस में मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है ये रेस्पॉन्स। ठीक है, वरना आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं राउटिंग से ही बात होगी हमारी, क्योंकि हमें इसी में ज्यादातर काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसको वैलिडेट कैसे करना है हमारी ये वाली रिक्वेस्ट, मतलब ये वाले राउट को। ठीक है, अब आपके मल्टीपल राउट हो सकते हैं। ठीक है, अब आप तो ये नहीं चाहोगे कि मैं जो वैलिडेशन ऐड करूंगा वो आप सभी के लिए अलग अलग लिखोगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम लिख देंगे और फिर आप उसे किसी भी राउट के लिए प्रॉपर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपके फोल्डर्स बने हुए ना, जितने भी आपके फोल्डर्स बने, इसके बाहर मतलब रूट पर ही एक फोल्डर बना लो, लाइक यहीं पर ही। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ हेल्पर्स करके। ठीक है, अब मैं हेल्पर्स क्यों नाम रख रहा हूँ, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ हेल्पर्स इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो कि मेरे लिए मददगार होंगी, मतलब जिन्हें मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, कॉमन होंगी। ठीक है, लाइक इसी के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा जिसका नेम होगा वैलिडेशन डॉट js करके। ठीक है, इस वैलिडेशन डॉट js में क्या होगा, यहाँ पर आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट में जहां पर भी जिस राउट पर आप लाइक रजिस्टर हुआ, लॉगिन हुआ, या कोई आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसके लिए आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो, तो उन सभी के लिए यहाँ पर आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। किस तरीके से ऐड करनी है मल्टीपल वैलिडेशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट, और यहाँ से हम उसमें से मतलब मेथड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिक्वायर कर लेते हैं अपना पैकेज जो कि हमारा एक्सप्रेस वैलिडेटर है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज कर लिया। इसके पास ना एक चेक होता है, ठीक है, चेक होता है, बॉडी होता है। ठीक है, अब चेक हम यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी मत यूज करना वरना उसमें काम नहीं होगा आपका। ठीक है, हम यहाँ पर चेक यूज करेंगे, काम हो जाता है पर वो पैरम्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, पर चेक में हम कस्टम अपनी मतलब वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपनी एक वैलिडेशन क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं अपने साइन अप के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन अप
साइन अप वैलिडेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप एक मतलब वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एरे टाइप में बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो जो आप बना रहे हो उन सभी को आप एक्सपोर्ट करते जाओगे, लाइक मेरी तरह एक्सपोर्ट करते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया एक्सपोर्ट डॉट साइन अप वैलिडेशन। अब जैसे ही आपने एक्सपोर्ट किया ना, ये अभी सभी के लिए आपके सभी फाइल्स के लिए, आप कहीं पर भी जाओगे तो आप इस फाइल को इंक्लूड करोगे या रिक्वायर करोगे तो उन सभी के लिए आपको साइन अप वैलिडेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट डॉट साइन अप वैलिडेशन नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें क्या है, बेसिकली ये चेक करेगा, मैं चेक करने वाला हूँ सबसे पहले नेम को, ठीक है, कि मेरा नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए। यार ये एम्प्टी भी ले रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको अगर नहीं भी सेंड करूंगा, लाइक मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, वरना एक्सएलएस को दोबारा अपलोड कर देगा, तो यहाँ से ये नेम को रिक्वायर्ड बोलना चाहिए था, पर नेम को रिक्वायर्ड नहीं बोल रहा है। अगर मैं यहाँ से अपना सर्वर अगेन स्टार्ट करता हूँ नोडमोन इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलना चाहिए था कि नेम इज रिक्वायर्ड, इमेज इज रिक्वायर्ड, पर इसने ऐसा बोला नहीं, ठीक है। अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, अरे सर्वर स्टार्ट, हाँ अभी हो गया, ठीक है, पर ऐसा बोल नहीं रहा कि नेम इज रिक्वायर्ड, इमेज इज रिक्वायर्ड, पर ये हमारी चीजें रिक्वायर्ड थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, ठीक है, चेक मैं किसके लिए लगाऊंगा, सबसे पहले नेम के लिए, और मैं नेम में लिख दूंगा लाइक नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नेम इज रिक्वायर्ड। नेम पर हमारी कुछ ऐसा प्रॉपर मैसेज नहीं होगा, ओनली ये रिक्वायर्ड ही रहेगा, वो चाहे कुछ भी डाले। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये नॉट, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, ठीक है, यहाँ पर इज एम्प्टी को हम यूज करेंगे, इससे ये चेक कर लेगा कि नेम जो है अगर एम्प्टी होता है, सॉरी कॉमा देना है यहाँ पर, सेमी कॉलन नहीं देना, ठीक है, यहाँ पर ये चेक कर लेगा अगर नेम एम्प्टी होता है तो उस केस में हमें यहाँ से देना नेम इज रिक्वायर्ड। अभी हम क्या करते हैं, लाइक इन सभी को एक एक्सपेरिमेंट भी करते जाते हैं साथ के साथ, लाइक मैं जाऊंगा अपने इंडेक्स डॉट जेएस को मारू बोली यूजर आउट में आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अपना जो वैलिडेशन है वो ऐड कर लूंगा, लाइक मेरी जो वैलिडेशन नेम की फाइल है, लाइक यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल लेंगे उसमें से साइन अप वैलिडेशन को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ सबसे पहले उस फाइल को, ठीक है, जो हमारा बेसिकली मॉड्यूल है, जैसे हम मॉड्यूल बुनते हैं, जो हम कस्टम मॉड्यूल्स बनाते हैं, हेल्पर्स के अंदर गया और ये वैलिडेशन आया, ठीक है। अब इसके अंदर से मेरा जो साइन अप वैलिडेशन है वो मेरा निकल के आ चुका है, ठीक है, इसको मैं कहाँ डालूंगा, इसके जहां आपने अपलोड डॉट सिंगल लगाया हो ना उसके बाद डालिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन अप वैलिडेशन लगाइए और फिर अब आपका सेव होगा, जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या मेरा नेम इज रिक्वायर्ड बोलेगा या नहीं मैसेज, ठीक है, अभी नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ नेम इज रिक्वायर्ड नहीं बोला, क्यों नहीं बोला ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपने रजिस्टर पर तो लगा दी राउट पर, ठीक है, पर आपको अब करना कि ये जो आपका कंट्रोलर का मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, आपका यूजर कंट्रोलर आ चुका है, यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई वो वैलिडेट हुई नहीं, और हालांकि हमने यहाँ पर यूजर आउट पर लगा दिया है, जो सॉरी हमारा जो रजिस्टर आउट था उस पर हमने ऐड कर दिया है, पर हमने यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट को वैलिडेट नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना पैकेज रिक्वायर करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेस वैलिडेटर है उसमें से हम क्या करेंगे, बेसिकली रिक्वायर करते हैं यहाँ पर रिक्वायर एंड देन एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, बेसिकली हमें वैलिडेशन करना है अपना, वैलिडेशन जो रिजल्ट आता है, लाइक जैसे अभी यहाँ पर देखोगे ये वैलिडेशन लग चुकी है, पर जो वैलिडेशन रिजल्ट आया वो हमें रेस्पॉन्स से रिटर्न करना होगा, पर वो यहाँ पर हम कर नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट निकाल लेना है, जो भी मतलब मैसेज आया होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा वैलिडेशन रिजल्ट, जब हम उसको रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैलिडेशन रिजल्ट को बोलेंगे कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी की पूरी रिक्वेस्ट लो अपने अंदर, और फिर क्या करो, जो भी हमारे पास एरर्स आती हैं लाइक मेरे एरर्स नाम के वेरिएबल में उसे सेंड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि इफ इफ अगर एरर्स, यहाँ पर हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, ठीक है, अब ये इज एम्प्टी मतलब ट्रू करेगा, ट्रू होगा उस केस में तो हमें चलाना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ से मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर दूंगा, ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 देंगे हम यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा जेसन फॉर्मेट में डेटा सेंड कर देता हूँ लाइक एरर्स, ठीक है, एरर्स करके मैं देता हूँ, ये काफी वेस्ट वे रहेगा कि जो फ्रंट एंड साइड वालों को एरर काफी वेस्ट वे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एरर्स में से एरर्स को एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, जितनी भी एरर्स की एरे होंगी, ठीक है, मतलब जितनी भी एरर्स होंगी उनको मैंने एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, अब ये प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ
तो यहाँ पर बोल रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। अभी ये नेम के लिए चल रहा है, अभी देखोगे आप ईमेल वगैरह के लिए नहीं चल रहा, उसके लिए हमें यहाँ पर अलग से बनाना होगा। तो मैं यूजर कंट्रोलर को अभी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि आपको इतना काम करना होगा, जहां जहां पर आपको जिस राउट पर लगा रहे हो, जिस मेथड के अंदर आपको यूज करना होगा, तो आप इस तरीके से ये कोड तो आपको कॉमन लगाना ही होगा, ठीक है। तो ये कॉमन कोड है जो कि आपको हमेशा कंट्रोलर के मेथड के पास लगाना होगा, तभी आप इजिली यूज कर पाओगे, मतलब सेंड कर पाओगे यूजर को एरर्स मैसेज, ठीक है। अब लाइक मैं यूजर कंट्रोलर को कर देता हूँ क्लोज, एंड देन राउटिंग को अभी हम बात बात करेंगे कि अभी हमारा कुछ इसमें रहता है। अब हम क्या करते हैं, मेल के लिए चेक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आएगा जो मेरा फील्ड नेम है वो है मेरा ईमेल, यहाँ से देखिए ये वाले जो फील्ड नेम है वही रखें आप, ठीक है। यहाँ से मैं नेम को अनचेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि लाइक मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर मैसेज डालूंगा, यार ये मैसेज और नहीं हटता, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक प्लीज इंक्लूड लाइक समथिंग, जो भी आप प्लीज इंक्लूड अ वैलिड मेल, ठीक है, या ईमेल, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर भी हमें चेक करना होगा कि भाई इज ईमेल है या नहीं, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है, इज ईमेल। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर मेल को चेक करने वाले हैं, नॉर्मलाइज मेल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या पास करने वाले हैं, इसलिए हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हम पास, मतलब ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे जीमेल। यहाँ पर इसके पास होता है एक जीमेल रिमूव डॉट्स, इसको हमें यूज करना होगा, इसमें हम ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें चेक करना है। अब मैं मेल के लिए चेक लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, तो हाँ बोल रहा है ना नेम इज रिक्वायर्ड प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। लाइक मैं नेम में डाल देता हूँ, अब कोई नेम की एरर नहीं आएगी, ठीक है। पर ईमेल क्या है, लाइक मैंने अगर ईमेल परफेक्ट नहीं डाली, मैंने इस तरीके से डाल दी, ठीक है, अभी भी बोलेगा जो आपकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आपको शो कराता है। फ्रंट एंड साइड वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये वाली मेल आपकी ये मैसेज के साथ शो करा सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर डाला @, ठीक है, तो अभी भी ये प्रॉपर मेल नहीं बताएगा, ठीक है। तो नहीं बता रहा, प्लीज इंक्लूड अ मेल, और लाइक मैं यहाँ से gmail.com डाल देता हूँ, अब ये प्रॉपर मेल बताएगा, ठीक है। ये क्या बोलता है, हाँ सही है ना, अब तो डेटा आ रहा है ना, अब तो एरर्स चली गई, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली मेल के लिए, अब मैं बात करूंगा मोबाइल के लिए, ठीक है। अब मैं मोबाइल के लिए यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा लास्ट में, एंड देन यहाँ पर मैं चेक लगा लेता हूँ मोबाइल के लिए क्या करने वाले हम। लाइक मैंने लिखा मोबाइल, जो कि मेरा फील्ड नेम इज मोबाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मोबाइल का तो आपको पता ही है कि यार ये मिनिमम कितने का होना चाहिए, आपका 10 digits का होना चाहिए, उससे कम का ना ले, उससे ज्यादा का ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, मैसेज लाइक मोबाइल समथिंग मोबाइल नंबर शुड बी कंटेन्स लाइक समथिंग 10 digits, ठीक है, 10 digits। एंड देन यहाँ पर मैं चेक करूंगा उसकी लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। लेंथ के बेस पर मेरे को चेक लगाना होगा कि भाई इसमें एक ऑब्जेक्ट पास होगा जिसमें आप मल्टीपल अपने बता सकते हो। लाइक मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक सबसे पहले आप पास करोगे मिनिमम, कि मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम भी 10 होना चाहिए, मैक्सिमम भी 10 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों मतलब मैच होने चाहिए, तभी तो ये आपका परफेक्ट वर्किंग चेक करेगा, ठीक है। अब मैं मोबाइल के ऊपर भी वैलिडेशन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा इमेज का थोड़ा लंबा पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी सर्वर से कनेक्टिविटी हो रही है, हाँ अभी कनेक्ट हो चुका है। हाँ मोबाइल नंबर शुड बी कंटेन्स 10 digits, क्योंकि नेम ईमेल तो डल चुके हैं, अब मोबाइल के लिए आ रही है एरर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं यहाँ पर करता हूँ नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक मैं इसको 10 का नहीं कर देता, तो मैंने 0 लगा दिया, अभी एक्सेप्टेड है। लाइक मैं अगर 11 डालता हूँ तो नहीं एक्सेप्टेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर वैलिडेशन मोबाइल के लिए हो चुकी है, अब हमारी पासवर्ड के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर हम दोबारा से चेक लगाएंगे, ठीक है। अब पासवर्ड थोड़ा हमें प्रॉपर क्रिएट करना होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड नेम, एंड देन यहाँ पर मैंने डाला पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैसेज आपको डालना है, लाइक मैं यहाँ पर अपने मन मुताबिक जो है मैसेज डाल लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपने मर्जी से डाल लीजिएगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर लाइक ग्रेटर देन, देखिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैसेज वैसा ही हमें पासवर्ड क्रिएट करवाना होगा यूजर से, ठीक है। ग्रेटर देन 6 एंड कंटेन्स एट लीस्ट लाइक 1 अपर केस, ठीक है, 1 अपर केस लेटर, और यहाँ पर मैंने दे दिया 1 लोअर केस, ठीक है, लोअर केस लेटर, ठीक है। आपका लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, एंड 1 नंबर, ठीक है, एंड 1 नंबर, मतलब एक नंबर तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी डाल देता हूँ एंड
वन स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, मतलब कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ये मैंने मैसेज यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब ये मैसेज तो मैंने डाल दिया है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। देखिए मैसेज आपने पूरा पढ़ लिया होगा आई थिंक, और मैं फिर क्या करूंगा, डॉट, मैं यहाँ पर इसके पास ना एक मेथड होता है इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, ठीक है, इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आप मिनिमम लेंथ पास करोगे जो कि हमने रखी हुई है यहाँ पर ग्रेटर देन 6, ठीक है, मिनिमम लेंथ 6 तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका मिनिमम लाइक आपका लोअर केस हो गया, ठीक है, मिनिमम लोअर केस इसमें हमने रख दिया 1 कि भाई एक लोअर केस होना चाहिए, और मिनिमम अपर केस बता देते हैं कि भाई अपर केस आपका कितना होना चाहिए, लाइक मैंने 1 बता दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम नंबर नंबर्स, और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम पासवर्ड को भी चेक कर लेते हैं, पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या बनेगी हमारी, मतलब इसके मुताबिक। तो अभी मेरा थोड़ा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मोबाइल परफेक्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है पासवर्ड के लिए, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कंटेंस पासवर्ड वगैरह वगैरह। तो लाइक मैंने यहाँ पर डाला समथिंग एक्स वाई जेड, क्या ये एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, नहीं एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, वैल्यू आपको शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर डाला सिक्स, मतलब 6 डालना पहले, लाइक एक्स वाई जेड या जो भी मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब इतना तो होना चाहिए। मैंने और भी ज्यादा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर डालता हूँ, हाँ अभी सही, मतलब अभी नंबर डल चुका है। अभी यहाँ पर एक बड़ा लेटर होना चाहिए, वो भी आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने कोई स्पेशल करेक्टर, लाइक हमने एट द रेट डाला, तो अभी ये एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, अब एक्सेप्टेड है। लाइक इसमें से मैं 1 नंबर हटा देता हूँ, तो क्या ये अभी एक्सेप्टेड होगा, नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है। लाइक अगर मैं इसमें से कोई कैपिटल लेटर हटा देता हूँ, तो अभी भी नहीं एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ये मतलब आपका पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। तो पासवर्ड आपका प्योर वेरीफाई हो चुका है, बस इमेज के ऊपर हमें थोड़ा दिक्कत उठानी होगी, इसमें हमें थोड़ा कस्टम वैलिडेशन ऐड करनी होगी, ठीक है। तो इमेज के लिए बेसिकली गाइस मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हमारी जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्मेट इमेज जो है अपलोड हो, और कोई ना अपलोड हो, लाइक जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपकी सीएसवी भी अपलोड हो रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, ठीक है। तो चेक हम किसके ऊपर लगाएंगे, इमेज नाम का पैरामीटर जो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना होगा गाइस कि यहाँ पर हमें कस्टम वैलिडेशन ऐड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक्सप्रेस वैलिडेटर अपनी तरफ से नहीं देता है कि इमेज को वेरीफाई करने का कोई मेथड, ठीक है, पर हमें यहाँ पर कस्टम यूज करना होगा, कस्टम मेथड ये जरूर प्रोवाइड करता है कि कस्टम आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, सिंपल, सबसे पहले यहाँ पर आप पास करोगे अपनी वैल्यू, ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस दे करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू। एंड देन यहाँ पर आपकी आएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट को आप लिखोगे एज अ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर फैट एरो मेथड बना रहे हो, फैट एरो मेथड के अंदर अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने कॉमा वगैरह नहीं लगाना, यहाँ पर आप लिखोगे डॉट विद मैसेज, ठीक है। डॉट विद मैसेज के अंदर क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपको मैसेज डालना, पहले हम क्या हो रहे थे यहाँ पर, जैसे पैरामीटर का नाम लिख रहे थे एंड देन हम अपना मैसेज डाल रहे थे, पर अब यहाँ पर हमें डॉट विद मैसेज का यूज करना होगा, तब हमें अपना मैसेज डालना होगा। तो हम यहाँ पर अपना मैसेज डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज अपलोड एन इमेज, लाइक मैंने बोला जेपीईजी फॉर्मेट चलेगा आपका, पीएनजी चलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ये आप फॉर्मेट जो है अपलोड कर सकते हो, पीएनजी में कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो जिफ वगैरह भी अपलोड करवा सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो भी अपलोड कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास MIME टाइप चेक करना होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो इमेज आ रही है ना उसको हम कस्टम वैलिडेट करने वाले हैं, ये मेरा मैसेज जाएगा, अगर कोई इमेज गलत अपलोड करता है लाइक सीएसवी वगैरह तो ये मैसेज आएगा। पर अगर मैं यहाँ से अपनी वैलिडेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर जो फाइल आ रही है, फाइल का जो हम MIME टाइप निकालेंगे, MIME टाइप क्या है उसका, अगर ट्रिपल इक्वल होता है किसके, इमेज हो, इमेज जेपीजी, ठीक है, इमेज जेपीजी, या हम यहाँ पर और का यूज करेंगे, मैं इसी को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पास कर देता हूँ, जेपीजी हो या पीएनजी हो, ठीक है, मतलब ये दोनों इमेजेस मेरी एक्सेप्टेड होंगी। अगर दोनों इमेज, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है।
रिटर्न यहाँ से ट्रू कर दोगे, एल्स में आप क्या करोगे रिटर्न कर दोगे फॉल्स के, भाई फॉल्स जब रिटर्न होगा ना तब ये आपका मैसेज जाएगा यहाँ से, मतलब वैलिडेशन नहीं परफेक्ट चली है, अगर ट्रू होगा तो आपका वैलिडेशन सक्सेस चली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने मैसेजेस जो है शो करा दिए हैं, ठीक है, मतलब ये हमारी इमेज के ऊपर वैलिडेशन लगी है। पर एक गलती अभी है यहाँ पर, अभी हम करेंगे, देखिएगा कि पब्लिक इमेजेस के अंदर कोई इमेज अपलोड नहीं है, ठीक है, कोई इमेज तो अपलोड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इमेज के ऊपर प्रॉपर वैलिडेशन लगी हुई है, देखिए अभी यहाँ पर बोलेगा इमेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, या इमेज प्लीज अपलोड एन इमेज, ठीक है, मतलब ये मैसेज मैंने डाला है, ठीक है, इमेज इज रिक्वायर्ड नहीं डाला। अब लाइक मैंने यहाँ से जो है इमेज को अनचेक कर दिया और यहाँ से मैं एक्सएलएस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, नहीं पहले मैं क्या करता हूँ आपको पहले पीएनजी की फाइल अपलोड करवाता हूँ, ठीक है, लाइक मैंने ये पीएनजी अपलोड की, ठीक है, ये अभी एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है, तो एक्सेप्टेड हो चुकी है और ये आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। पर एक दिक्कत है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक्सएलएस वाली फाइल को मैं अपलोड करने की ट्राई करता हूँ, एक्सएलएस एक्सएलएस एक्सएलएस, ठीक है, लाइक ओईएस एक्सएलएस ये वाली है, ठीक है, मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश की, बोलता है मैसेज आपका परफेक्ट आ रहा है, प्लीज अपलोड एन इमेज जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है, मतलब यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने एक्सएलएस फाइल चूज करी है, तो यहाँ से उसको मैसेज मिल जाएगा जेपीजी या पीएनजी एक्सेप्टेड होंगी। पर एक दिक्कत आई है हमको, हमको एक दिक्कत क्या आई है, यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी डायरेक्टरी थी उसमें एक्सएलएस फाइल अपलोड हो चुकी है, तो ये तो यार बहुत वेरी बैड वर्क है, मतलब ऐसा करोगे तो फिर आपको तो दिक्कत होगी, मतलब आपके सर्वर पर स्टोरेज कम पड़ जाएगा, ठीक है, अगर आपका कम स्टोरेज का है तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन डॉट जेएस को कर देना क्लोज, नहीं क्लोज नहीं करूंगा, बेसिकली यहाँ से जो इसका एम आई एम ई टाइप वगैरह ना, ये जो हमने एक्सेप्टेड कर रखे हैं इनको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, और अब मैं वैलिडेशन को कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर हमारी जो बेसिकली जो हमारा मल्टर लगा हुआ है ना उसके पास हमें फिल्टर वैलिडेट करना होगा कि भाई जब हमारा ये टाइप आए तभी हमारी क्या हो इमेज अपलोड हो वरना ना हो, क्योंकि ये हर एक फाइल को अपलोड कर रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा मल्टर को यूज करना होगा, ठीक है, मल्टर पर भी हमें थोड़े चेक्स लगाने होंगे क्योंकि वरना ये सभी फाइल्स को अपलोड करेगा, ठीक है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास होता है एक फाइल फिल्टर नाम का की, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम इसके लिए अपना मेथड पास करते हैं जो कि हमारा वेरीफाई करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया टॉप पर ये मतलब मेथड बना लेता हूँ लाइक फाइल फिल्टर करके ही, ठीक है, फाइल फिल्टर इज इक्वल टू एंड देन यहाँ पर ये आपका फेटारो मेथड होगा जिसमें आपकी रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन आपका फाइल जाएगा एंड देन आपका कॉल बैक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा बनने वाला है फेटारो मेथड, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि फाइल का जो एम आई एम ई टाइप है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना वहां से मैंने जो कॉपी किया है वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया है, बट यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा ओनली फाइल डॉट एम आई एम ई टाइप, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं करूंगा फाइल डॉट एम आई एम ई टाइप, ठीक है। अगर ये टाइप होता है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट एंड इफेल्स यूज करूंगा, ठीक है, शॉर्ट एंड इफेल्स जानते ही होंगे आप, ठीक है, तो सी बी कॉल बैक जो है हमारा उसमें हम नल पास कर देंगे, एरर नहीं होगी, ठीक है, बट हम यहाँ से ट्रू कर देंगे, मतलब अगर ये फॉर्मेट आता है अपलोड करता है यूजर तो एक्सेप्टेबल होगा, तो हम ट्रू कर रहे हैं, मतलब तो हमारी क्या हो फाइल अपलोड हो जाए, अन्यथा क्या हो यहाँ पर हमारा जो है कॉल बैक चले और वो बोल दे कि भाई नल नल और यहाँ पर आपका जाए फॉल्स कि भाई अब फाइल अपलोड मत करो क्योंकि आपकी एक्सएलएस फाइल आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा फाइल फिल्टर का नाम का जो मेथड बनाया जो मेरा फेटारो मेथड था वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दिया। अब ये क्या है, अब वो फाइल्स अपलोड नहीं होने देगा जो इन फॉर्मेट के अलावा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ये मेरी जो एक्सएलएस फाइल है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, क्योंकि अब तो डिलीट होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी तो चल गया, ठीक है, अब मैं यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैसेज तो आपको प्रॉपर मिल रहा है कि हाँ ये नहीं अपलोड होनी चाहिए, और यहाँ पर भी देख लेते हैं अभी भी अपलोड नहीं हुई, ठीक है। पर अगर बाय द वे मैं यहाँ से अब जो है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट एक्सेप्ट करूँ मतलब करता हूँ अपलोड अगेन, तो मैंने यहाँ से अपलोड किया तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा और देख सकते हो पूरे मेरे पैरामीटर्स की जो वैल्यू थी वो आ चुकी है, फाइल नहीं आई क्योंकि वो मेरे को रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम करके लेना पड़ता नेम, ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो पीएनजी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको फुल वैलिडेशन मैंने बता दिया कि आप इस ये जो है ना मैंने हेल्पर्स के अंदर जो वैलिडेशन बताई है इसके अंदर अभी आपको मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि आप इसमें मल्टीपल वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो वो आप कैसे लगा सकते हो उसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए ये मैंने साइनअप के लिए बनाया था, ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं मैं लॉग इन के लिए भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे इसलिए यहाँ पर भी आप यूज करोगे एक्सपोर्ट डॉट लाइक आपने लिखा लॉग इन वैलिडेशन, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो एक और बना रहे हो सिंपल ऐसे ही, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ मेरे को चाहिए होगा ओनली ईमेल
और पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है, तो पासवर्ड और मेरा ईमेल, ठीक है, तो यहां से मैं इनको कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा, और यहां से मैं मोबाइल को हटा देता हूँ क्योंकि वो इसके साथ कॉपी होकर के आ गया था। तो ये जो लॉग इन वैलिडेशन है, अब आप उस राउट पर लगा दीजिएगा जिस पर आप लॉग इन वैलिडेशन लगाना चाहते हो, और फिर आप उसके मेथड के अंदर आपको वो लिखना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला कोड, ठीक है, ये कोड कॉमन रहेगा जिससे कि आपको एरर मैसेज देख पाओ, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर वैलिडेशन लगाने की तकनीक, टेक्निक, और आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये काफी यूजफुल होता है, बेस्ट वे है, आप यूज करो ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो थैंक यू गाइस।